बीते दिनों देश में कुश्ती और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह काफी चर्चाओं में रहे। इसका कारण था देश के कुछ नामी पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने वाले नामी खिलाड़ियों की बात की जाए तो उसमें बजरंग पुनिया से लेकर महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सोनम मलिक और निशा दहिया के नाम शामिल रहे। जिसके बाद अब इस मामले में एक निजी चैनल ने कुछ खिलाड़ियों और कोचों का स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स ने कुश्ती से जुड़े कई खिलाड़ियों से कुश्ती में यौन उत्पीड़न को लेकर सवाल जवाब भी किए हैं, तो जवाब काफी चौंकाने वाले मिले हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इस स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल निशा दहिया का भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें वो कहते हुए पाई गई हैं कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वो सबसे आगे रहती। इसी तरह प्रदर्शन में शामिल सोनम मलिक ने भी कहा है कि वो सीनियर खिलाड़ियों के कहने पर धरने पर गई थी। वहीं आपको बताते चले, जनवरी के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया था कि मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। वहीं इसके बाद एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी और इस कमेटी से ब्रजभूषण शरण सिंह को दूर रखा गया था। वहीं इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अब देखने वाला होगा कि जांच कमेटी को कितनी इससे मदद मिलेगी और आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।